हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम बेसिक मेकअप सिर्फ चार प्रोडक्ट्स के साथ कैसे कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम लिए और बिना कोई फैंसी फाउंडेशंस कंसीलर्स यूज करके। तो ये वीडियो को एंड तक पूरा पूरा देखना। वीडियो छोटा सा है एंड आई नो बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा। हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा फ्लॉज कुछ ना कुछ होता ही है, फिर भी हम इन चीजों को यूज करके हमारी स्किन पे एक थोड़ा सा ग्लो दे सकते हैं। तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फेस को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस होता है हमारी स्किन पे। तो कोई भी स्किन टाइप हो, एक मॉइस्चराइजर आपके स्किन टोन के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। तो मेरी थोड़ी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है, इसलिए मैं एक ड्राइनेस के लिए मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। कभी कभी थोड़े से एक्ने भी आते हैं, तो इसीलिए एक्ने प्रोन मॉइस्चराइजर है मेरे पास। और ये जो आप सनस्क्रीन देख रहे हो, इसका भी मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो टू हाइड द ब्लेमिशेस या डार्क एरियाज या पिंपल्स, अगर आपके दाग हुए हो बिकॉज ऑफ पिंपल्स और एक्ने, तो वहाँ पे आप हाइड करने के लिए कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे कंसीलर नहीं यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक सनस्क्रीन यूज़ किया है जो टिंटेड है। उसमें ऑलरेडी थोड़ा पिगमेंटेशन होने के कारण मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप यहाँ पे इस सनस्क्रीन से ही एक डिफरेंस देख सकते हो। ये सनस्क्रीन मैंने अमेजोन से ही लिया था, तो आपको अगर चाहिए तो मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जो टिंटेड लिप बाम है, या ये तीन टाइप का काम करता है, इट वर्क्स एज अ लिप टिंट, एज अ चीक टिंट एंड एज अ आई शेडो। तो यहाँ पे अब हम आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए हम एजेस को पहले डिफाइन करेंगे। जो भी हमारे आईब्रो का शेप है उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के बाद उसके अंदर फिर हम एक डार्क शेड से उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। शुगर कॉस्मेटिक्स का ये आईब्रो पेंसिल है। ज़्यादातर ब्लैक अवॉइड करें, बिकॉज ब्लैक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लगता है। अगर आप डार्क ब्राउन कलर या थोड़ा लाइट ब्राउन कलर के आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करेंगे तो बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है। और स्पूली से आप उसको एक बार टच कर दें। फिर मैंने यहाँ पे मेरा, क्योंकि रेड ड्रेस है इसलिए लिप टिंट को मैंने स्किप करके रेड लिपस्टिक्स को ही मैं टिंट यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने चीक्स पे अप्लाई किया है। अब आई शेडो के लिए भी मैं यहाँ पे लिपस्टिक का ही यूज़ कर रही हूँ। अपने फिंगर टिप से मैं आईलिड्स पे आई शेडो के जैसे लिप टिंट को यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक को। और इसी तरह से मैं अपने हाथों से ही बिना ब्रश के यूज़ के साथ मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ अपने चीक्स पे। और यही लिपस्टिक को मैंने अपने नोज़ पे, थोड़ा फोरहेड पे और चिन पे भी लगाया है टू गिव अ नाइस पिंकी ग्लोई लुक। और लिपस्टिक को भी मैं वही सेम यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा है, हम सिर्फ मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ ही, ना कोई फैंसी एक्सपेंसिव कॉस्टली प्रोडक्ट के साथ ये मेकअप कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल मेकअप है। और ये सिफोरा का लिपस्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप फिट मी का भी ले सकते हो। कोई भी आपके ब्रांड या स्किन टोन को मैच करता हुआ आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही नेचुरल फिनिश रख रही हूँ। बिना फाउंडेशन के, बिना कंसीलर के ये पूरा मेकअप हो रहा है। तो आप ज़रूर ऐसा मेकअप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही नेचुरल और ड्यूई मेकअप है। इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए हैं। आप देख सकते हो सिर्फ चार प्रोडक्ट्स के साथ ये हमारा नेचुरल और इफ़ेक्टिव और ग्लोई और स्पार्कली मेकअप रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर बहुत जल्दी हो और कम प्रोडक्ट्स के साथ आपको मेकअप करना है, तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे ये टिप्स आप ट्राई कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कुछ सेल्फीज के साथ हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।